बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शबान की आखिरी जुमरात है। खुदा के लिए आज सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़ लेना, पूरे साल का रिज़्क घर आ जाएगा, लाखों नहीं करोड़ों हाथों में होंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज 23 शबान जुमरात के दिन सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लें, 70,000 हाजतें आपकी पूरी होंगी इंशाल्लाह। दौलत चाहिए, इज्जत चाहिए, शिफा चाहिए, शादी करनी है, घर चाहिए या औलाद चाहिए, तो इंशाल्लाह हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहेंगे। तो जुमरात का दिन बहुत ही फजीलतों वाला बबरकत दिन है, दुआओं की हाजात की कबूलियत वाला दिन है। ये बहुत अहम दिन है, इस दिन का सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो इंशाल्लाह आज आप इस मुबारक दिन इस तस्बीह को पढ़कर जो मांगेंगे आपको मिलेगा। ये ऐसे कलमात हैं कि जिनकी बरकत से, जिनको पढ़ने से आपकी पूरी जिंदगी का मुकद्दर ही बदल जाएगा, खास तौर पर शबान के महीने में अगर आप ये अमल करते हैं, क्योंकि शबान का महीना वो महीना है कि इस महीने में मांगी जाने वाली दुआओं को अल्लाह पाक रद्द नहीं करते। तो आप आज इस अमल को लाजमी करें। इस अमल को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, इस अमल को आप जुमा के दिन भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अव्वल अहद दुरूद पाक पढ़ना है, जितना पढ़ना चाहें, अगर आप ज़्यादा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपने एक तस्बीह अस्तग़फिरुल्लाह की पढ़नी है, और फिर आपने अल्लाह पाक का ये नाम अल गनी एक तस्बीह पढ़नी है। ये अल्लाह पाक का वो नाम है कि जिसको पढ़ने वाला जिंदगी भर कभी किसी का मोहताज नहीं होगा, जिंदगी भर तंगदस्त नहीं होगा। इसको पढ़ने से अल्लाह पाक रिस्क में, माल में खूब बरकत और वसत अता फरमाते हैं। इस मुबारक को आप जुमा के दिन लाजमी पढ़ें, एक तस्बीह पढ़ें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको गनी कर देंगे, अपने सिवा कभी किसी का मोहताज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो आप आज इस अमल को लाजमी करें, इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।